हेलो दोस्तों, मैं बिशन दत्त टिप्स ऑन लिविन से। आज हम बात करेंगे दोस्तों हैदराबाद रेस की, और 27 अगस्त की रेस है। टोटल 8 रेस हैं दोस्तों। पहली रेस 1:10 में है, आखिरी रेस 5:05 में है। और लास्ट टाइम हैदराबाद थोड़ी सी यार अपने फेवर में नहीं गई थी, और टॉप हॉर्सेज ऑन फील्ड भी नहीं थे, तो मुझे बड़ा यार एक होता है यार, दुख सा होता ही है अगर सिलेक्शन पास नहीं होते, क्योंकि बहुत लोग आप लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं और उसे फिर प्ले भी करते हैं, और घोड़ा बोर्ड में ना आए तो यार दुख तो होता ही है। और आज भी पुणे में कोई खास गया नहीं, और सभी मेरे ख्याल से पुणे के कार्ड से अब जो भी है उस चीज को यार क्लोज करते हैं और आगे बढ़ते हैं हैदराबाद में। पहली रेस 1100 मीटर की रेस है, 3 ईयर ओल्ड की, और यहाँ पे टॉप हॉर्सेज ऑन फील्ड में कॉट पिस्टॉल। लास्ट टाइम ये घोड़ा यार अक्षय कुमार के नीचे, जिसे कहते हैं, लास्ट टाइम पे बस गर्दन रखी दी थी और शॉर्ट हेड से मतलब प्लेस आई गई थी। इस बार भी उम्मीद कर सकते हैं बीआर कुमार के नीचे घोड़ा बोर्ड में रहे, प्लेस आए, ग्रेड गिवर। लास्ट टाइम काफी ऑब्जेक्शन हुआ और उसके बाद काफी डिस्टर्ब भी हुआ घोड़ा यार, और चांस मैं ये तो नहीं कहता कि जीत सकता था, बट सोनू कुमार ग्रेस्टी बहुत बढ़िया लेके गया साइड बाय साइड। बट ये 3 घोड़े जो खराब हुए उसके बाद, इस बारी उम्मीद करते हैं एक बेटर रन देखने को मिले। और उसके बाद है 4 नंबर मॉर्निंग मिस्ट, यस नायडू और इंडियन स्नाइपर के साथ में थर्ड लगा हुआ है, और ये सेकंड लगा हुआ है, और ग्रेट गिवर चौथा लगा था उस दिन यार। ये साथ में भागे हुए घोड़े हैं, तो उम्मीद करते हैं मॉर्निंग मिस्ट एक और बेटर रन दे। और उससे पहले सूरज के नीचे 50 पैसे में पिटा हुआ घोड़ा है यार ये, ठीक है। और 5 नंबर थंडर नाइट, यही वो घोड़ा है यार जो एलेक्जीना के साथ में चौथा लगा था, और कॉट पिस्टल पिस्टल जो मैं बता रहा हूँ उसने गर्दन रख दी थी, वो तीसरा हो गया था, ये चौथा हो गया था थंडर नाइट। और बट उसके बाद अभी ओनली द ब्रेव के साथ में पी साई कुमार ने राइड किया था, बहुत बढ़िया गुड सेकंड लगा। तो ये घोड़े मतलब ऐसा है कि आसपास भागे हुए हैं, फयोला कुछ इक्विपमेंट चेंज कर रहे हैं, ब्लैंकर टीएस ऑन कर रहे हैं, प्लेस का चांस आप देख सकते हैं इस घोड़े में। 8 नंबर पॉइंट फ्रैक्ट अक्षय कुमार बैठा दिया यहाँ पे, ये भी ओनली द ब्रेव के साथ में चौथा लगा है। अफरोज खान बैठा था, राइडर बेटर हो गया, चांस बिल्कुल बनता है। उससे पहले एलेक्जिना के साथ में ये गुड सेकंड लगा था, ठीक है, तो उस दिन 20-20 रुपए का भाव था, लास्ट टाइम फेवरेट था तो चौथा हो गया। और ऐसा नहीं है फेवरेट था तो चौथा हो गया, मतलब लास्ट टाइम चौथा हो गया। और अब यहाँ पे जो मैं पिक लेके चलूंगा दोस्तों, 4 नंबर मॉर्निंग मिस्ट, यस नरेडू, और 5 नंबर थंडर नाइट, पी साई कुमार। बाकी अक्षय कुमार यार आप लोग देख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जब हैदराबाद में ट्राई होता है तो यार फिर वन साइडेड रेसे हो जाती है, सिर्फ अक्षय कुमार ही अक्षय कुमार होता है। बट घोड़ा ठीक है बोर्ड के लिए, बिल्कुल प्लेस आप देख सकते हैं, बट विन के लिए थोड़ा सा मैं ज्यादा बेटर घोड़े मुझे ये दो लग रहे हैं। और सेकेंड रेस में आ जाते हैं, 1100 मीटर की रेस है, क्लास 5 की, 1 नंबर ब्लू ब्रिगेड। जब से घोड़ा भाग रहा है यार स्टील में ही सारे रन दे चुके हैं घोड़े को, और मेरे ख्याल से 8-9 रन ऑलरेडी घोड़ा ले चुका है। उसके बाद अब 1 नंबर का गेट है, और शूज भी एल्युमिनियम कर रहे हैं, और 1100 मीटर का डिस्टेंस है। घोड़ा मतलब फ्रंट निकल के बिल्कुल कर सकता है यहाँ पे सरप्राइज, काफी लंबा टाइम हो गया यार। और प्रीसियस गिफ्ट भी फ्रंट रनर है, लास्ट टाइम अजय कुमार बैठा था, और 1200 में फिर ये कुछ घोड़े साथ में भागे हुए हैं, 4 नंबर भी साथ में भागा था, ठीक है। इमरान खान बैठ गया है एक राम से, तो 2 बारी यार, एक बार फेवरेट था, एक बार प्लेस लगी, ठीक है। क्रिएटिव आर्ट है, ए आर सुपीरियर है, गुड थर्ड लगा था ब्लू लेवल के साथ में। और यहाँ पे सीधा पिक में आ जाता हूँ यार, 3 नंबर प्रीसियस गिफ्ट पी साई कुमार, और 4 नंबर माई मास्टर ए इमरान खान। सेकेंड रेस खास है नहीं, क्लास 5 की रेस है। थर्ड रेस में आ जाते हैं दोस्तों, 1100 मीटर 3 ईयर ओल्ड की रेस है, 1 नंबर डेकन स्प्रिट, इंडियन स्नाइपर के साथ में भागा था, छठा लगा था, सरप्राइज कर सकता है। उसके बाद थोड़ा ट्रैक ठीक कह सकते हैं। हैप्पी सोल लास्ट टाइम काफी बैटिंग हुई, उसके बाद घोड़ा बाहर ही निकल गया बाहर वाले गेट से, और सूर्या प्रकाश ही शायद बैठा हुआ था और गिर गया जॉकी। खैर यहाँ पे उम्मीद करते हैं इस बारी मोक देके आ रहा है घोड़ा, और मोक भी ठीक दी है, उम्मीद करते हैं घोड़ा जीते यहाँ पे। और
चार नंबर शैडो फैक्स पेडिग्री वाइज, या राहुल पैट का बच्चा है, और राहुल पैट कुछ लोगों को याद होगा हैदराबाद का बढ़िया घोड़ा था, लास्ट टाइम फ्रंट तो निकला था बट इंडियन स्नाइपर के साथ में पांचवा लगा है, और थोड़ा सा इंटरफेरेंस कह सकते हैं आप रेल्स में, बट यहाँ पे मतलब प्लेस उम्मीद सरप्राइज भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा जॉकी। 5 नंबर बोल्ड ब्यूटी लास्ट टाइम गुड थर्ड लगा प्रीसियस के साथ में, और ये घोड़ा यार लास्ट अच्छा इम्प्रूव किया है मोहित सिंह के नीचे, और बिल्कुल चांस बनता है। 7 नंबर टाइम अहेड पहला रन है, 8 नंबर वेनेनो फर्स्ट रन में अच्छा रन दिया है यार, पहला रन था उसका करियर का, और यहाँ पे ओनली द ब्रेव के साथ में थर्ड लगा, दोबारा चांस बनता है बोर्ड में रहने के लिए। और यहाँ पे मैं पिक लेके चलूंगा 2 नंबर हैप्पी सोल, सूर्य प्रकाश फेवरेट ही होना चाहिए घोड़ा, और 5 नंबर बोल्ड ब्यूटी मोहित सिंह। बाकी ओड यार आप लोग मेरी साइट में से देख सकते हैं, मैंने आपको साइट सभी को बता रखी है www.tipsonlivin, क्योंकि वहां पे मैं जल्दी पोस्ट कर देता हूँ, वहां पे भी वो साइट भी मेरे को रन करनी होती है, सबसे पहली साइट मेरी वही है यार, तो इसलिए उस साइट को मैं, बहुत लोग जुड़े हुए हैं उस साइट से पुराने पुराने, तो इसलिए वहां पे मैं ओड सबसे पहले डालता हूँ, तो वहां से आप ओड ले सकते हैं, बाकी इस वीडियो के एंड में तो डाल ही दूंगा। चौथी रेस में आ जाते हैं दोस्तों, 1400 मीटर क्लास 3 की रेस है, 1 नंबर बैंगर ऑन डी, लास्ट टाइम डिंग डोंग बैटल जिसे कहते हैं राइवल के साथ में, इमरान खान सेम जॉकी जा रहा है, 1400 सेम डिस्टेंस है, 5 नंबर का गेट है, चांस बिल्कुल बनता है। 2 नंबर ट्रू आइकन प्लेस आप देख सकते हैं अपसेट के लिए यार। 3 नंबर कैंडी गर्ल, यहाँ पे जॉकी का बेनिफिट बिल्कुल बनता है, एक आराम से आ रही जोधा बैठा दिया, सोका के साथ में थर्ड लगाया घोड़ा। उसके बाद है 4 नंबर आइसिकल, ये घोड़ा यार बहुत बढ़िया है, और लास्ट टाइम कहीं ना कहीं पे चौथा लगा है, बट लग रहा था कि बोर्ड में आ जाएगा, खैर उसके बाद अब बिल्कुल यार ये घोड़ा बिल्कुल बनता है, उम्मीद करते हैं बोर्ड में रहे घोड़ा। एनआरआई फंटेसी आप अपसेट में प्लेस देख सकते हैं, यहाँ पर मैलिबू है, सुपर स्टेलर है, बहुत बारी बैटिंग हुई थी लास्ट टाइम, बट कुलदीप ने अभी गुड थर्ड करवाया है ह्यूमेंटेरियन के साथ में, अक्षय कुमार बैठा दिया है, बिल्कुल चांस बनता है, लोअर वेट में घोड़ा जा रहा है यार। और 9 नंबर क्रिम्सन रोज अपसेट आप देख सकते हैं, पिक लेके चलूंगा 1 नंबर बैंगर ऑन डी ए इमरान खान, और 4 नंबर आइसिकल ए एम टुगरालू। बाकी यार ये घोड़ा भी है सुपर स्टेलर, लास्ट सीजन बहुत बैटिंग हो रही थी बट इस सीजन क्लास 3 में ही बहुत बढ़िया रन दिया है कुलदीप ने, और अक्षय कुमार बैठा दिया, बिल्कुल चांस में बिल्कुल बनता है घोड़ा, ठीक है, बट मैं इन दोनों को पिक करके चलूंगा। और आ जाते हैं 5वीं रेस में, 1400 मीटर की रेस है क्लास 3 की, 1 नंबर द इमेज, बहुत जिसे कहते हैं यार जबरदस्त घोड़ा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा यही लग रहा है कि नवंबर के बाद अब भाग रहा है घोड़ा, और बाकी ट्रैक ठीक जा रहा है, और थोड़ा सा गैप ज्यादा लग रहा है कि काफी टाइम बाद भाग रहा है, और उम्मीद करते हैं बेटर रन दे ए एस से 10 बार, बिल्कुल घोड़ा बनता है। और 2 नंबर अलाबामा, ये भी लक्ष्मण सिंह जी का बढ़िया घोड़ा है यार, और अच्छे रन है सारे के सारे, 5 के 5 1-2 में ही रहा है घोड़ा, और मोक दे के आ रहा है घोड़ा, बिल्कुल चांस बनता है। और 4 नंबर बाकी घोड़े यार अपसेट प्लेस प्लेस के लिए आप देख सकते हैं, क्योंकि 2 घोड़े तो यही मेन दिख रहे हैं, एनआरआई अल्ट्रा पावर अपसेट में देख सकते हैं। 6 नंबर स्टेट जिस लीप, ये 1 नंबर के साथ भागा हुआ है मिल्टन केनेस, ये भी लास्ट रन का बेनिफिट बिल्कुल बनता है इसका। स्टार मेडल स्ट्राइक हीरो 9 नंबर, दोनों रन अच्छे हैं यार, बट यहाँ पे जो मैं पिक लेके चलूंगा सीधा पिक में आ जाता हूँ, 2 नंबर अलाबामा अक्षय कुमार, और 1 नंबर द इमेज ए एस से 10 बार। आ जाते हैं दोस्तों इसके बाद 6ठी रेस में, 1400 मीटर क्लास 4 की रेस है, 1 नंबर मास्टर टच, यहाँ पे शूज चेंज कर रहे हैं 2 रन के बाद, अशोका के साथ में 9वां लगा था, उसके पहले किनाफ के साथ में 8 रुपए का भाव था, प्लेस लग रही थी बट खैर यहाँ पे बिल्कुल चांस सरप्राइज कर सकता है। पालचा बढ़िया घोड़ा है यार, और शिवांश बैठा दिया है, घोड़ा कंटिन्यू परफॉर्म कर रहा है, बेंगलोर से 1 रन लेके आया था, उसके बाद सारे ही रन अगर आप देखेंगे यार, एक बारी बस 5वां हुआ है एनआरआई अल्ट्रा पावर के साथ में, खैर वो एनआरआई अल्ट्रा पावर ऐसी बढ़िया घोड़ा है यार, पर यहाँ पे शिवांश बैठा दिया है, जॉकी उम्मीद कर सकते हैं कि भाई पेस कंट्रोल करे, घोड़ा तो बहुत बढ़िया है यार नो डाउट। और 3 नंबर रिंगनिंग ब्यूटी प्राउड मैरी, बहुत इंप्रेसिव विक्ट्री थी यार, इमरान खान के नीचे घोड़ा जीता था, और ये अक्षय कुमार बैठा होता है इस घोड़े पे, गुड थर्ड लगा है, और उम्मीद करते हैं उससे पहले इनेबलिंग के साथ में गुड सेकंड लगा हुआ है। 5 नंबर क्लियर डिकॉय को बीट किया था लास्ट टाइम, नेक्स्ट से अक्षय कुमार ने राइड किया था, और
छह नंबर डी मिंचू सोसिएबल घोड़ा है ये, जो धुंजीबाई जी के पास था, और यहाँ पे ट्रेनर ऑनरशिप सब चेंज हो गई है। पी अजीत कुमार मोक दे के आ रहा है घोड़ा, यार मोक ठीक जा रही है घोड़े की और बिल्कुल सरप्राइज कर सकता है ये घोड़ा यहाँ पे पहले रन पे। 7 नंबर इंडियन स्नाइपर 1100 मीटर जीता है और 300 मीटर एक्स्ट्रा जाना है, 1400 में ऑलरेडी एक बार ही गोल्डन ग्लोव के साथ में भागा हुआ है बैंगलोर, बहुत बढ़िया विक्ट्री थी 1100 में, उम्मीद करते हैं दोबारा वैसे ही कुछ रन देखने को मिले। 8 नंबर गोल्डन गैजल, ये एनआरआई डबल पावर के साथ में गुड सेकंड लगा हुआ घोड़ा है यार, ये मिस माया को बीट किया हुआ है तो बढ़िया घोड़ा है श्रीनिवास रेड्डी जी का, और अक्षय कुमार बैठा हुआ है, बिल्कुल चांस बनता है। और एक घोड़ा यहाँ पे यार ये अपसेट है, शायद धानु बैठा होता तो शायद हो सकता है बी निकल के नीचे एक रन हो, बट ये घोड़ा यार बिल्कुल यहाँ पे सरप्राइज या अपसेट आप कुछ भी कह सकते हैं। 10 नंबर बरगंडी ब्लैक स्टील में बहुत बढ़िया रन दिया था पहला, उसके बाद 2 रन है, दोनों के दोनों बारी घोड़ा लगा है, और पहले 7 रुपये में घोड़ा मतलब प्लेस बहुत लगी पालचा के साथ में, इंसिडेंट हुआ, फिर उसके बाद धानु बैठा दोबारा, फिर 90 पैसे के भाव में घोड़ा छठा लगाया, मास्टर टच जीता था उस दिन, वो धानु गिरते गिरते बचा था यार उस दिन। खैर ये घोड़े पे नजर बनाए रखना दोस्तों, और यहाँ पे जो मैं पढ़ पा रहा हूँ 7 नंबर इंडियन स्नाइपर बुक के हिसाब से डे बेस्ट दे रहे हैं, और पिक में लेके चलूंगा 7 नंबर इंडियन स्नाइपर यश नायडू, 8 नंबर गोल्डन गैजल अक्षय कुमार। आ जाते हैं दोस्तों इसके बाद 7वीं रेस में, 1200 मीटर क्लास 4 की रेस है, 1 नंबर हाई रिवार्ड यहाँ पे 5वां लगा ये प्राउड मैरी के साथ में, और इनेबलिंग के साथ में छठा, ये घोड़ा बोर्ड में रहना चाहिए, आर एस जोधा ने ही दोनों रन दिए हैं। और 2 नंबर ओनली द ब्रेव बढ़िया विक्ट्री थी 1100, 100 मीटर एक्स्ट्रा जाना है, उम्मीद करते हैं एक और बेटर रन देखने को मिले। 3 नंबर बेज ऑन रिगार्डलेस पहला रन मतलब हैदराबाद का, और बहुत इंप्रेसिव विक्ट्री थी, 5.5 लेंथों से घोड़ा जीता था, उम्मीद करते हैं रिपीट करे। 4 नंबर सर्जेंट रेकलेस, ये घोड़ा यार 1400 ऑलरेडी एक बार जीता था, फिर अभी सीजन में पहला रन स्टील में दिया है, अब एल्युमिनियम कर रहे हैं, फारा इंसिडेंट हुआ है कुछ, सदस्य बार बैठा हुआ है कमांडिंग नाइट के साथ में, और सरप्राइज बिल्कुल कर सकता है, प्लेनेट सुपर है। और ब्लैक कोपल, ये घोड़ा थोड़ा अक्षय कुमार के नीचे मुझे मतलब ज्यादा समझ नहीं आ रहा, और बिल्कुल यहाँ पे अपसेट, और अक्षय कुमार के बेस में इस घोड़े को आप देख सकते हैं, मैं भी उसी के बेस में देख रहा हूँ यार, 1200 मीटर क्लास 5 जीता है, दिल्ली हाइट को मारा था 7वें से उठ के घोड़े ने, ठीक है। और इस रेस में जो मैं पिक लेके चलूंगा दोस्तों, 3 नंबर बेस ऑन रिगार्डलेस एस सकलेन, और 2 नंबर ओनली द ब्रेव एनआर संतोष राज। आ जाते हैं दोस्तों 8वीं रेस में, 1400 मीटर क्लास 3 की रेस है, और यहाँ पे वैसे तो यार सिंगल ही हॉर्स दिख रहा है, 2 नंबर नगट अक्षय कुमार के नीचे, और बहुत अच्छी डर्बी ओक्स सब भागा हुआ है यार, और जीता हुआ भी है यहाँ पे क्लास 3 में, उम्मीद करते हैं 1400 मीटर में इस बार ही जीते, एक बार क्लास 4 जीता था उसके बाद सीधा ही ओक्स डर्बी। खैर लास्ट टाइम टूथ के साथ में बहुत बढ़िया रन है, कुलदीप सिंह राइड कर रहा था बल्कि, और यहाँ पे फुल जॉकी बैठ गया है, 4 किलो की पेनल्टी घोड़ों पे मतलब थोड़ा सा वेट बढ़ा दिया जाता है, तो यहाँ पे 59.5 किलो में अक्षय कुमार जा रहा है। 1 नंबर एनआरआई स्पोर्ट्स अक्षय कुमार बैठा था, उससे पहले सोनू कुमार, और दोनों बारी काफी बैटिंग हुई है वैसे घोड़े पे, और उम्मीद करते हैं इस बारी जी ने रेस के नीचे एक बेटर रन देखने को मिले, और 1400 सूटेबल डिस्टेंस है घोड़े का यार। 3 नंबर टॉप इन क्लास, ये आप अपसेट प्लेस के लिए देख सकते हैं, मैंने बाकी टॉप हॉर्सेज ऑन फील्ड मेरे मुंह से निकल गया जल्दबाजी में। 4 नंबर वॉलप एंड गैलप अच्छा रन है यार, और ये पेंटेड अपाचे के साथ में गुड साइकिल लगा हुआ है, यहाँ पे सरप्राइज कर सकता है, जब रेसें उल्टी सीधी होती है कुछ भी हो जाता है, तो नजर बनाए रखना, बाकी प्लेस उम्मीद करते हैं दोबारा देखने को मिले घोड़े की। 5 नंबर जवई, ये आउटसाइडर घोड़ा लग रहा है यार, कलकत्ता से आया है और एक रन लिया है, ऐसी बात नहीं है, और भरत सिंह जी के काफी घोड़े धीरे धीरे आ गए हैं, और ये सुजीत कुमार पासवान के नीचे, उम्मीद करते हैं बेटर रन देखने को मिले, और साउदर्न एक्ट प्लेस आप देख सकते हैं इसकी 8 नंबर की, मतलब कुछ इंसिडेंट हुआ, बेस्ट बडी के साथ में 4था लगा है, मोहम्मद इस्माइल बैठ गया है, काफी टाइम से खराबी, कुछ गेट से सही नहीं निकल रहा घोड़ा,
और वैसे तो यार इस रेस में जैसा मैंने बताया सिंगल ही हॉर्स दिख रहा है मुझे, और पहले तो मैं मतलब पिक लेके चलूंगा 2 नंबर नगर टक्से कुमार, और दूसरा घोड़ा जो मुझे लग रहा है कि अपसेट या कुछ भी मतलब बोर्ड में आना चाहिए शायद 1 नंबर एनआरआई स्पोर्ट जीन नरेश। और ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हैदराबाद के लिए आप सभी को यार ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक यार। और कुछ लोग हैं जो मतलब कंटिन्यू यार मेरा नंबर या अपने नंबर शेयर कर रहे हैं, और कुछ यूट्यूब में लिखते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। भाइयों मैं आपको रिप्लाई करता हूँ, आप उसे पढ़ तो लिया करो यार। ठीक है कोई बात नहीं, जो यहाँ तक पहुँचा है उसको मैं अपना नंबर दोबारा एक बारी शेयर कर देता हूँ। मेरा नंबर 9811747495 है, और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज पे ही यार हम लोग बात कर सकते हैं, मैं कॉल किसी की पिक नहीं करता हूँ। तो व्हाट्सएप में अगर कोई घोड़ा भी या कुछ भी आपको डिस्कशन करना है, जितना समय होगा मैं दे पाऊंगा तो मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, क्योंकि मैसेज बहुत सारे आते हैं। और इसी के साथ में दोस्तों आप सभी को हैदराबाद के लिए ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक मेरे भाइयों। इसके बाद मिलते हैं 27 तारीख की रेसों में। ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर मेरे भाइयों, बाय 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 बाय।